रायपुर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है ये बड़े दरिया। इसमें जीवित लेजर की रोशनी, फाउंटेन से छोड़े जा रहे पानी के फुहारे और मल्टीमीडिया शो शामिल लोगों को काफी लुभा रहा है। बड़े दरिया में आने वाले लोगों के मनोरंजन के लिए रोजाना शाम 7:30 बजे से लेकर म्यूजिकल फाउंटेन शो होता है। इस कार्यक्रम के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। शो 13 मिनट तक ही होता है। इस शो में अलग अलग थीम को दिखाया जाता है, जिसकी खासियत संगीत के धुन पर लेजर और फाउंटेन के फुहारे का नजारा होता है। नमस्कार, मैं अंकिता दुगर TV24 की तरफ से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारा ये स्पेशल कार्यक्रम जिसका नाम है हमारी विरासत। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ छत्तीसगढ़ में कुम्हारी जगह पे एक बहुत ही सुंदर मनोरंजन से भरपूर पार्क में। वहाँ में टिकट्स के रेट कितने हैं और जानेंगे वहाँ से कि यहाँ पे और क्या क्या चीजें हैं। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा भरपूर मनोरंजन का खजाना और यहाँ पे आपको मिलेगी झलक छत्तीसगढ़ के संस्कृति का। आइए आपको लेके चलते अंदर और दिखाते हैं यहाँ पे और क्या क्या है। आइए अब जानते हैं कि यहाँ पे टिकट्स के रेट कितने हैं और बात करते हैं इनसे। नमस्ते, आपका शुभ नाम? चेतना दीवार। तो आप बताइए यहाँ पे टिकट्स के कितने रेट हैं और कितने समय पे खुलता है ये? 1 बजे खुल जाता है और 1 से 2 बजे तक 10 रुपए रहता है टिकट और 2 से 10 बजे तक 20 रुपए रहता है। और बच्चे और बड़ों का सबका एक ही रेट है टिकट्स का? हाँ, सबका एक ही रेट है। सबसे ज्यादा लोग किस समय आते हैं? शाम को 5 बजे 4 बजे से ऐसे स्टार्ट हो जाते हैं आने का और सबसे ज्यादा संडे के दिन सबसे ज्यादा लोग आते हैं। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमें जानकारी देने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंट्री के बाहर ही कितने सुंदर से यहाँ पे हाथी बनाया गया है। ऐसे देख के दूर से हमें ऐसे लगेगा कि सच में कोई हाथी खड़ा है। बहुत ही सुंदर से यहाँ पे जो एंट्री है वो बनाई गई है। दोनों साइड में हाथी बनाए गए हैं बड़े बड़े और बाहर में इतने सुंदर से गार्डन बनाया गया है और एंट्री के ऊपर आप देख सकते हो एक बड़ा सारा चील बनाया गया है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षण लग रहा है। ये एंट्री ही इतनी खूबसूरत है तो अंदर पता नहीं और क्या क्या होगा। चलिए हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। तो हम पहुंच गए हैं बड़े दरिया। ये देखिए पीछे आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर गार्डन और बहुत कुछ बनाया गया है यहाँ पे। साइड में आप देख सकते हो कि चौपाटी जैसे बनाया गया है। यहाँ पे आप पूरा खाने का भी लुत्फ उठा सकते हैं। अलग अलग टाइप के व्यंजन यहाँ पे आपको मिलेंगे, बहुत कुछ है। तो आप यहाँ पे खाने के साथ साथ यहाँ पे गार्डन है, यहाँ पे झूले हैं, वहाँ सामने लक्ष्मण झूला है। एंट्री भी बहुत सुंदर है। साइड में आप देख सकते हो कितने सुंदर से जो रैबिट है उसको ग्रास से बनाया गया है और साइड में यहाँ पे आपको पार्किंग भी है अंदर भी। तो आप आइए आगे आपको दिखाते हैं और यहाँ पे क्या क्या है। देखिए पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अलग अलग प्रकार के झूले भी हैं। बहुत सारे झूले इधर भी हैं। हम सुबह के टाइम पे आए हैं तो इतना आपको नहीं दिखा पा रहे, पर ये जो पार्क है शाम के टाइम पे बहुत ही सुंदर हो जाता है। ये देखिए अनेकों लोग आ जाते हैं तब तक और यहाँ पे आप झूले देख सकते हो, अलग अलग झूला। ये जो झूला इसका नाम है ब्रेक डांस और यहाँ पे टिकट्स के जो रेट है वो लिखे हुए हैं 50 रुपीज़ पर पर्सन।
₹50 का एक टिकट है और आसपास में आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे अनेकों झूले हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के झूले बनाए गए हैं। तो आप अगर अपने फैमिली के साथ आने चाहो, फ्रेंड्स के साथ आने चाहो या फिर आप कभी भी यहाँ पे आने चाहो तो यहाँ पे बहुत कुछ है देखने के लिए। आइए आपको आगे भी दिखाते हैं कि और क्या क्या है यहाँ पे। पीछे जो आप देख सक रहे हो यहाँ पे रात को लेजर शो होता है, म्यूजिकल फाउंटेन होता है, बहुत ही सुंदर देखने में लगता है रात को। जो यहाँ पे अनेकों लोग आते हैं सिर्फ ये म्यूजिकल फाउंटेन देखने के लिए, जो कि शुरू होते हैं शाम को 7 बजे से यहाँ पे म्यूजिकल फाउंटेन। ये देखिए कितने सुंदर तरीके से यहाँ पे बुलेट टॉय ट्रेन बनाया हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये पूरा एक राउंड लगाती है यहाँ पे और आपको बहुत सुंदर से घुमाती है और उसके साथ यहाँ पे जो प्राकृतिक सौंदर्य है आप उसका भी लुत्फ़ उठा सकते हैं इसमें घूमते हुए। और जो नाम दिया गया है आप वहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ है कुम्हारी स्टेशन, है ना, बहुत ही खूबसूरत, और इसका नाम दिया हुआ है बुलेट टॉय ट्रेन। आइए आपको अंदर बैठ के दिखाते हैं कि ये कैसा है। आप यहाँ से अंदर बैठ सकते हो। ये देखिए कि बहुत सुंदर से बनाया गया है, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से आप बैठ कर जो नज़ारे हैं पास में वो आप देख सकते हो। यहाँ पे पास में नदी है, जहाँ पे जो झील है इसमें म्यूजिकल फाउंटेन होता है, उसी झील के चारों तरफ ये जो बुलेट ट्रेन है वो एक राउंड घुमाती है। और जैसे कि हमने पूछा तो यहाँ पे बताया गया कि जो बुलेट ट्रेन है ये शुरू होती है 5 बजे से। तो आप अगर यहाँ पे आना चाहते हैं और ये बुलेट ट्रेन में बैठना चाहते हैं तो आप 5 बजे आइए, तब आप इसमें बैठ के इसका राउंड लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर से बनाया गया है ये, और जो स्टेशन है वो भी आप देख सकते हो, एकदम एक्चुअल जो स्टेशन होता है वैसे ही स्टेशन ये भी लग रहा है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही क्लीन भी है। ये देखिए आप पीछे देख सकते हो कि यहाँ पे बनाया हुआ लक्ष्मण झूला बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। इतना सुंदर है कि आप यहाँ पे आकर ये लक्ष्मण झूला जो यहाँ पे भी आप चल के जाइए बहुत ही अच्छा लगेगा। हवाएं चलती रहती है, चारों तरफ बहुत ही हरियाली है, पास में झील है, नीचे जो है बहुत सुंदर तरीके से जो घास जो है ये लगाए गए हैं, बहुत अच्छा जो है यहाँ पे आपको लगेगा। आप अपने परिवार के साथ भी आ सकते हो। यहाँ पे देखिए झील जो है बहुत सुंदर लगेगा आपको इधर आके, और ये लक्ष्मण झूला भी बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। और आप उस झील में देख सकते हो कि बीचों बीच झील के एक बहुत सुंदर और बड़ा शिवलिंग बनाया गया है। यहाँ पे आप जो देख सकते हो, यहाँ पे जो मूर्ति बनाई हुई है इसके अंदर भी शाम के समय यहाँ से भी पानी निकलता है, झरना के जैसे यहाँ से भी आता है। तो शाम के समय यहाँ पे बहुत ही सुंदर हो जाता है सब कुछ, चारों तरफ से पानी, फाउंटेन, इन सब का आप नज़ारा जो है इन सब के मज़े ले सकते हैं अगर आप शाम के समय आए तो। यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हो, यहाँ पे आप बोटिंग का भी लुत्फ़ उठा सकते हो। बोटिंग की सुविधा भी दी गई है, आप जैसे देख सक रहे हो यहाँ पे बोटिंग होती है। और बोटिंग का जो समय दिया हुआ है वो है दोपहर के 1 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक का। यहाँ
यहाँ आप ऊपर भी देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत अच्छे से सुविधा दी गई है कि आप आके यहाँ पे बैठ सकते हो। सीटिंग का भी बहुत अच्छा यहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ है, आप यहाँ बैठ के आराम से अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठ के यहाँ के नज़ारे जो है वो देख सकते हो। ऊपर से देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये, और यहाँ पे बहुत अच्छे से हवाएं भी चल रही है, तो यहाँ पे आपके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत सुकून मिलेगा। ऊपर से आप जैसे देख सकते हो नज़ारा और भी अच्छा लग रहा है, जो झील है, जो लक्ष्मण झूला है, जो गार्डन है, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ से। यहाँ आप देख सकते हो पीछे जो है यहाँ पे आप बैठकर जो शाम को जो म्यूजिकल शो होता है, लेजर शो जो होता है, वो पीछे आप देखे वहाँ पे लेजर शो होता है, और वहाँ लेजर शो के साथ वो जो बना हुआ है बीच में, वहाँ से वो ऑपरेट किया जाता है, और सामने जो सीढ़ियाँ बनाई गई है वहाँ पे बैठ के लोग इस लेजर शो को, म्यूजिकल फाउंटेन को जो है वो इंजॉय करते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई गई है, और ये शाम के समय शुरू होती है लगभग 7 से 8 बजे के बीच में। तो वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आज हमने आपको दिखाया एक ऐसी जगह जहाँ पे आप घूमने आ सकते हो अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। ये बहुत ही अच्छा एक पिकनिक स्पॉट होने के साथ साथ यहाँ पे बहुत कुछ है घूमने के लिए। यहाँ पे लेजर शो होता है, म्यूजिकल फाउंटेन है, और बहुत सारे झूले और बहुत कुछ। नमस्कार, मैं अंकिता दुगर फिर से आपको लेके आई हूँ हमारे स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है हमारी विरासत। तो आज हम आपको लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में स्थित एक पौराणिक मंदिर जिसका नाम है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अंकिता दुगर TV24 की तरफ से हमारे स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है हमारी विरासत। आज हम आपको लेके आए हैं छत्तीसगढ़ के जिले दुर्ग में स्थित एक मंदिर जिसका नाम है देव बलोदा शिव मंदिर, जो कि बहुत ही पौराणिक मंदिर है। ये स्थित है देव बलोदा गांव में। इस मंदिर की इतनी मान्यता है कि कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से आते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। इस मंदिर में जो शिवलिंग है वो स्वयं ही धरती से प्रकट हुई थी। इस मंदिर में कहा जाता है कि दूर दूर से लोग आते हैं, ना कि सिर्फ भारत से बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं वो मंदिर, और बात करेंगे यहाँ के पंडित जी से और जानेंगे इस मंदिर का इतिहास। आपको पता है इस मंदिर को एक ही व्यक्ति ने एक ही पत्थर से बनाया है। ये मंदिर रातों रात 6 महीने के अंदर ही बनाया गया था। ऐसा मान्यता है कि इस मंदिर को जो व्यक्ति बना रहे थे वो नग्न अवस्था में इस मंदिर को बना रहे थे, और बनाते वक्त जब उनकी बहन आई उनको खाना देने के लिए, तो वो शर्म के मारे इस कुंड में जाकर डूब गए, और अब तक उनका पता नहीं चला है। आपको दिखाएंगे वो कुंड, और ये भी कहा जाता है कि उस कुंड से एक सुरंग निकलती है जहाँ से वो व्यक्ति जाते थे, और अभी तक पता नहीं चला कि वो कहाँ तक निकलती है। आइए आपको दिखाते हैं वो मंदिर और वो कुंड।
कहा जाता है कि मंदिर कलचुरी समय में 12वीं और 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये देखिए आप जैसा देख सक रहे हैं यहाँ पे, जो भी अपनी मनोकामना है वो पूर्ण कर सकते हैं यहाँ पे आके। अनेकों लोग धागे बांध के जाते हैं और अपनी मनोकामना रख के जाते हैं। और यहाँ पे जो कलाकृति आप देख सक रहे हैं और ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये बहुत ही प्राचीन है, बहुत पुरानी है। और यहाँ पे अनेकों शिवलिंग भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने तरह के शिवलिंग यहाँ पे रखे गए हैं। ये देखिए, और लोग यहाँ पे मनोकामना के अपने धागा बांध के जाते हैं। देखिए यहाँ पे धागा बांधा है और बहुत तरह के शिवलिंग आप नीचे यहाँ देख सक रहे हैं। और ये भी मान्यता है कि यहाँ पे महाशिवरात्रि के टाइम पे 2 दिन के लिए मेला भी लगता है, तब यहाँ पे अनेकों लोग आते हैं दूर दूर से और अपनी मनोकामना रखते हैं। ये मंदिर इतनी पुरानी है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पत्थर और मूर्तियाँ पड़ी है, इसी से आप देख सकते हैं कि ये सब जो मूर्तियाँ हैं वो कितनी पुरानी है। आप देख सकते हो, देखिए जो मूर्तियां बनी हुई है, इनमें जो कलाकृति बनी हुई है, ये कितनी पुरानी है और इतनी आकर्षित करने वाली मूर्तियां हैं। यहाँ पे अनेकों अनेकों आकृति बनी हुई है, भगवान के रूप बने हुए हैं। हम मंदिर परिसर के अंदर, ये देखिए हम मंदिर के अंदर आए हैं और ये वही शिवलिंग है जो कि कहा जाता है कि स्वयं धरती से उत्पन्न हुए थे। देखिए यहाँ पे शिवलिंग बहुत ही खूबसूरत शिवलिंग है और यहाँ पे आप आओगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। बहुत ही पौराणिक और बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है ये, और ये शिवलिंग है ये बहुत पुरानी है। और आप देख सकते हो ये मंदिर इतनी पुरानी, और इसमें जो पत्थरों से ये बनाई गई है वो एक ही पत्थर इस्तेमाल करके बनाया गया था ये। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो आए हैं श्रद्धालु जितने, उनसे जानते हैं कि इस मंदिर की इतनी मान्यता क्यों है और उनके मन में इस मंदिर को लेके कितनी श्रद्धा है। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मेरा विजय सिंह नेताम। आप कहाँ से? मैं भिलाई में रहता हूँ, रिशाली। तो आप कब से आ रहे हैं इस मंदिर में, उस मंदिर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? लगभग मैं 4 साल से यहाँ मंदिर में आ रहा हूँ और ये मंदिर 6 मासी मंदिर है और मंदिर का 500 साल का इतिहास है ये, और 500 साल बने हैं मंदिर, अधूरा है मंदिर। और बताते हैं यहाँ पे कि ये मंदिर जो बना रहे थे ना, उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई थी, फिर उस दिन उनकी बहन आई कि मैं अपने भाई के लिए खाना लेके आऊँ करके, तो जो इस मंदिर का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि अरे आज मेरी बहन आ गई है करके, तो वो यहाँ पे जो मंदिर का निर्माण कर रहे थे, मतलब शिवलिंग की जो तैयार कर रहे थे, तो यहाँ तालाब में कूद गए। हाँ, कूदने से फिर वो मंदिर उसी से अधूरा रह गया जी। तो आपके इस मंदिर को लेकर कितनी श्रद्धा है, आप कब तक, मतलब कितनी बार आ चुके हैं? मैं 4 साल से आ रहा हूँ और जो मंदिर पुराने होते ना, वहाँ पे साक्षात ईश्वर का वास होता है जी। धन्यवाद सर आपका इतनी जानकारी देने के लिए। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मधुन्नी बाई। आप बताइए हमें ये मंदिर के बारे में कुछ, कितनी पुरानी है ये मंदिर? ये मंदिर है मतलब 1024 साल चला थे, ये में मतलब बिना वस्त्र के बनाने वाले यहाँ रही से, अब ओकर बही वो सब में ना बनाते बनाते थोड़ा ऊपर भर बचे, बाकी सब होती आ गई। अब ओकर जगह में अपन ओकर भाभी जगह में बही आ गई,
वही मेरे से सब तरह ये भाई वाले हैं, भाई और बहनी मतलब थोड़ा ये हो कि सोई देख रही सोई तो अपन मैं बहनी भी देख रही सही को यही बौदी में यहाँ कूद गए भाइया और बहनी वो मैं तालाब में है कसर तालाब में मतलब बड़ी बासी खा को मैं खड़े हूँ। धन्यवाद। आइए आपको दिखाते हैं वो कुंड। ये वही कुंड है जहाँ पे उन्होंने छलांग लगाई थी। कहा जाता है यहाँ पे मैंने जिन भी लोगों से बात किया वो ये कह रहे हैं कि मान्यता है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो जब इस मंदिर का निर्माण कर रहे थे, जब शिवलिंग को बना रहे थे, उसी वक्त उनकी बहन उनके लिए खाना लेकर आई। उनको शर्म आ गई कि उनकी बहन उनको नग्न अवस्था में देखेंगे, तो वो शर्म के मारे इस कुंड में जो आकर कूद गए। और उनकी बहन अपने भाई को इस कुंड में कूदता हुआ देखकर इसके पास में एक और जो तालाब है वहाँ पे उनकी बहन भी कूद गई। वो तालाब भी आपको दिखाएंगे। अभी आपको दिखाते हैं कुंड जहाँ पे उन्होंने छलांग लगाया था, पर अब तक कुछ पता नहीं लगा उनका कि वो कहाँ गए। इस कुंड में कहते हैं कि बहुत सारी मछलियाँ भी हैं और जैसा आप देख सक रहे हो कि यहाँ पे छोटे छोटे कछुए भी हैं। जी आपका शुभ नाम? रितेश वर्मा है। तो आप बताइए आप इस मंदिर में कब से आ रहे हैं और इस मंदिर के बारे में आपको क्या मालूम है, आप कुछ भी हमें बता सके। ऐसे लोगों के मुंह से सुना था कि मतलब ये मंदिर लगभग 14वीं शताब्दी में बना है, बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर है। ये उस टाइम पे ऐसा होता था कि उस टाइम पे राजा महाराजा लोग 6 मासी मतलब 6 महीने दिन और रात में मंदिरों का निर्माण करवाते थे। ये उसी टाइम पे बनाया हुआ मंदिर है जो 6 महीने दिन और 6 महीने रात में बनता था, और बीच में अगर वो टाइम अगर खत्म हो जाता था तो बीच में मंदिर को अधूरा छोड़ दिया जाता था। ये उसी दौरान बना हुआ मंदिर है जो आज भी ऐसा देखने से मिलता है कि अधूरा ही रह गया है। और इसके गर्भगृह में मतलब भगवान शिव की मूर्ति जो है वो रखी हुई है, और ऐसा तो है कि मतलब देखने से बहुत प्यारा है मंदिर। और बस तो आपके मन में कितनी श्रद्धा है इस मंदिर को लेकर? बहुत 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 अच्छी है। और मंदिर का ऐसा वातावरण ऐसा है, हालांकि थोड़ा सा स्पेस छोटा है पर जो है वो एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है यहाँ का, और एक पॉजिटिव थॉट आता है ऐसे यहाँ आने से, एक एनर्जी फील होता है कि अच्छा है यहाँ का जो है व्यू। आइए आपको दिखाते हैं इस मंदिर में जो जिस पत्थर से बना है, देखिए इसमें कितनी सारी कलाकृति बनी हुई है। यहाँ पे अद्भुत अद्भुत कलाकृति है जिसमें आप देख सकते हो हाथी बने हुए हैं, और यहाँ पे आगे जाके शिवजी भी बने हुए हैं, और अलग अलग देवी और देवताओं की कलाकृति बनी हुई है। ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो हाथी बने हुए चारों तरफ, बहुत ही सुंदर से बनाया गया है, इतनी पुरानी है, आज भी ये वैसी की वैसी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं देवी और देवता, शिव जी भी है। ये देखिए बहुत सारी कलाकृति बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया। ये हमें ये दर्शाता है कि उस समय जो रहते थे लोग वो किस तरह से रहते थे और कितनी खूबसूरती से ये बनाते थे। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बनाए गए, यहाँ पे ये बनाया गया, यहाँ पे हाथी, यहाँ पे देखिए कलाकृति जो बनाई गई है बहुत खूबसूरती से, और ये एक ही पत्थर से बनाया गया ये पूरा मंदिर। आप देख सकते रहे हो ये मंदिर पर, और ये भी कहा जाता है इस मंदिर का जो गुंबद है वो अधूरा है क्योंकि वो कुंड में छलांग लगाने के वजह से ये जो गुंबद है ये आधा रह गया था बनाते हुए, तो इसीलिए यहाँ का जो गुंबद है वो अधूरा है। देखिए चारों तरफ इस मंदिर में आकृति बनाई गई है, आप देख सकते हो चारों तरफ बहुत ही खूबसूरती से अलग अलग तरीके की आकृति बनाई गई है, और चारों तरफ नीचे पूरी तरह से हाथी बनाया गया है।
इस मंदिर में आके आपको बेहद सुकून मिलेगा। इतनी शांति है यहाँ के वातावरण में, इसीलिए लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं अपने मन की शांति पाने के लिए भी। यहाँ पे पीछे आप देख सकते हो कि बहुत ही खूबसूरत गार्डन भी बना हुआ है, बहुत ही हरा भरा, जिससे आप प्राकृतिक सौंदर्य का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ पे आप बैठ के भी बहुत अच्छे से अपना टाइम जो है वो यहाँ पे जो है समय व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर से यहाँ पे बैठने के लिए भी कुर्सियाँ बनाई गई है और बहुत ही हरा भरा जो है वो नज़ारा है। यहाँ पे आपको आके बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही शांति मिलेगी। मंदिर के अंदर आते ही यहाँ पे आपको दिखेगा मंदिर के बारे में पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है, पूरे का पूरा इतिहास जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि मंदिर का निर्माण कब हुआ था, कल्चरी राज्यों के द्वारा 14वीं शताब्दी में किया गया था, उससे लेके इस मंदिर के बारे में पूरा का पूरा जो डिटेल्स है वो यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में इस मंदिर के बारे में पूरा का पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं और इस मंदिर के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। ये वही कुंड है जो आप देख सकते हो, जहाँ पे उनकी बहन जो है वो कूद गई थी। इसी कुंड में वहाँ पे कहा जाता है कि वो कूद गए थे और यहाँ पे उनकी बहन जो है इसी कुंड में कूद गई थी। जब उन्होंने देखा कि उनके जो भाई है वो कूद गए हैं कुंड में, तो उनको देख के उनकी बहन भी इस कुंड में आके कूद गई थी। आप देख सकते हो ये वही कुंड है। मंदिर के प्रांगण में ही हनुमान जी का भी मंदिर है। यहाँ आप भोलेनाथ के साथ साथ हनुमान जी के भी दर्शन कर सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं मेरे पीछे छोटा सा एक हनुमान जी का भी मंदिर है, आप यहाँ आके भी उनकी प्रार्थना कर सकते हैं। इस मंदिर के अंदर नाग नागिन का जोड़ा भी आते हैं और आज तक ये है कि वो किसी का भी नुकसान नहीं पहुंचाते, पर ये मान्यता है कि उनके भी दर्शन आप कर लो तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो चलिए अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। ऐसे ही आपको अनेकों ऐसी पौराणिक मंदिरें, ऐसे ही कुछ अनोखी जगहें आपको दिखाते रहेंगे। कैमरामैन कपिल के साथ मैं अंकिता दुगर, TV24 रायपुर।